You see, the year is coming to a close. And every year, we take a resolution in the beginning of the year. We speak of what we want to do. But many times, after the first 3 or 4 days, all that is lost. All the resolutions, they dissolve away. And then next year, again, we take some resolutions. I think it is time that we need to make a break in that. Next 3 or 4 days, whatever is remaining of this eventful 2022, we should work towards introspecting, observing what did I do in this year? What were my achievements? Where did I falter? What were my learnings? What was I able to do? What is that which I was not able to do earlier, which I have been able to do? What is it that which I was able to do earlier, I have missed out? Have I slipped somewhere? And mind you, when we are doing this, then we should not be judgmental. And the next 2, 3 days, today is 28th India time. So 29th, 30th, 31st, 3 days, we will be spending doing introspection. And then on the first, we will be having a special 2 sessions in the morning and the evening. Swagatam 2023. जब नव वर्ष आता है तब हम लोग हर्ष और उल्लास के साथ नव वर्ष मनाते हैं, संकल्प लेते हैं और हफ्ता 10 दिन में सब संकल्प हवा हवा हो जाते हैं। अब जब वर्ष समाप्ति की ओर अग्रसर है तब हम लोगों को विशेष करके योग अभ्यासियों को इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, इस वर्ष में हमने क्या क्या किया, कौन सी चीजें हमने सीखी, कौन चीजों में हम अटक गए, कहाँ हम पीछे पड़ गए, उसका हमें एक ब्यौरा लेना चाहिए। अपने को कोसने के लिए नहीं, देखिए जी, अपने आप को कोस करके हम हमारी शक्ति कम करते हैं। अगर हमने कोई कमियां हैं तो कमियां हैं, उसमें कोसने से कमियां अगर कम हो जाती तो हम सब लोग मिलकर के एक सामूहिक कोसने का कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन ये तो देखा गया है कि कोसने से अपने आप को गलत साबित करके, अपने आप को बुरा भला बुरा कह के कोई आज तक प्रगति नहीं कर पाया। तो जिस चीज में प्रगति हो नहीं सकती है उस रास्ते में जाना क्यों? गलती है तो गलती है भाई। अगर हम में सब चीज अच्छा ही होता तो हम भगवान होते। हम में अच्छा नहीं है इसलिए तो हम यहां पर है ना, कि हम कुछ सीख सके। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि हम में क्या कमी है और साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी क्षमताएं क्या है। अनेक बार जब हम कमियों को देखते जाते हैं तो कमियां ही कमियां नजर आती हैं, क्षमता सब लुप्त तो हो जाती है।
इसीलिए हम लोगों को एक समतोल विचार करना आवश्यक है। मेरी क्षमता क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी आकांक्षा क्या है और मेरी आवश्यकता क्या है। जब हम इस पर चिंतन करते हैं और इस आधार पर हम बीते हुए वर्ष का अवलोकन करते हैं, तब हम लोगों को पता चलेगा कि इस वर्ष में मैं 1, 2, 3, 4, 5 चीज कर सका या कर सकी, और ये चीजें करने बाकी हैं। इन चीजों को हमने करना शुरू किया था, अगले वर्ष में इसको बढ़ाना है, तो हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। अगर जीवन में हमको प्रगति करनी है तो बहुत आवश्यक है कि हमें एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। महान कार्य एक दिन में होते नहीं है, धीरे 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 एक एक पग लेना पड़ता है। लेकिन जब हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तब किस दिशा में जाना है वो दिशा निर्धारण होना आवश्यक है, और अगर वो दिशा निर्धारण नहीं हुआ हो तो हम भटक जाते हैं। अगले 3 दिन 29, 30 और 31 हम लोग एक अवलोकन करेंगे, व्यंग अवलोकन करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे इस वर्ष में हमने क्या क्या प्राप्त किया है, हमें क्या क्या प्राप्त करने की इच्छा है, हमें क्या क्या प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमारी क्षमताएं क्या हैं और हमारी कमजोरियां क्या हैं, और किन चीजों पर हमको अगले वर्ष, आने वाले वर्ष में कार्य करना है। इन पर 3 दिनों का हम लोग एक चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और फिर 1 जनवरी को नए वर्ष को मनाने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए, स्वागतम 2023 का एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे सुबह में और शाम को, और जिसमें हम एक संकल्प ले और इस संकल्प को किस प्रकार से सुदृढ़ बना करके जीवन में आगे अग्रसर हों, उस पर हम लोग मंथन तो नहीं करेंगे, मंथन तो कर चुके, 3 दिन तक करेंगे मंथन, लेकिन उस पर कार्य करना पड़ता है। और जब हम 1 तारीख को संकल्प लेंगे, उसमें मंत्र शक्ति को जोड़ेंगे, हमारे संकल्प सुदृढ़ होंगे और अगले वर्ष 2023 हमारे गुरुदेव की शताब्दी संवत्सर के स्वरूप में हम उसे मना रहे हैं। 1923 में गुरु जी का जन्म हुआ था, 2023 100 साल, और इस वर्ष में एक ही संकल्प है कि अपने जीवन में हमें अग्रसर होना है, और जो हमारी बाधाएं हैं उन बाधाओं को तोड़ते हुए आगे निकल जाना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे छोटा सा नन्हा सा सूरज का जो किरण होता है वो पूरे तिमिर को, अंधकार को भेदते हुए प्रकाश को ले आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश ले आना है, आशीर्वाद, और उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। और वो प्रयास क्या चीज करने का, अपने बारे में, अपनों के बारे में बहुत सोच लिया, उससे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। थोड़ी देर के लिए अपने और अपनों के साथ साथ किसी एक पराये के बारे में थोड़ा सा सोचिए, तो हम दो हमारे दो प्लस वन,
कोई भी एक व्यक्ति हो, थोड़ी देर के लिए किसी के बारे में सोच तो लीजिए, अपनी श्रद्धा को उस सामने पर ले आइए। और ये कोई हम किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी साधना कर रहे हैं। देखिए हमें गुरुदेव ने कन्या पूजा और प्रैक्टिकल कन्या पूजा इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हम पूजा तो करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, सब चीज करते हैं और उसका फायदा होता है, सब लोगों ने देखा है, समय समय पर आशीर्वाद प्राप्त। लेकिन जो धूप दीप नैवेद्य है वो क्या भगवान तक जाता है क्या? वो तो यहां सामने पत्थर तक पहुंचा रहता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ऊपर हमारी जाती है तो श्रद्धा जाती है, और ये धूप दीप नैवेद्य जो है वो केवल श्रद्धा का एक माध्यम है। गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार से श्रद्धा का माध्यम धूप दीप नैवेद्य हो सकते हैं, तो क्यों नहीं स्कूल बुक्स, ड्रेस, पढ़ाई का सामान, दवाइयां, ऑपरेशंस, अलग अलग चीज हम एक प्रैक्टिकल पूजा के रूप में, व्यवहारिक पूजा के रूप में करें। जो सामने में व्यक्ति खड़ा है उसमें तो भगवान का अंश, ईश्वरी तत्व जरूर है, सब में है, ये वेदांत का वाक्य है। तो हम उस ईश्वरी अंश की पूजा करते हैं धूप दीप नैवेद्य के बदले, स्कूल बुक्सम समर्पयामि, स्कूल ड्रेसम समर्पयामि, मेडिसिनम समर्पयामि, ऑपरेशनम समर्पयामि, एजुकेशनम समर्पयामि, फिटनेस समर्पयामि, ये करके। तो वो जो व्यक्ति है उसके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, उसको अग्रसर होने का मार्ग प्राप्त होगा और हमको अपने जीवन में ब्रेक थ्रू मिल जाए। यही सिद्धांत है रीच आउट टू कनेक्ट विद इन। उस व्यक्ति के अंदर जो ईश्वरी तत्व है वो मेरे अंदर में भी तो है, हम यहां छुए या वहां छुए, बात तो एक ही है। जब नदी बह रही है तो एक घाट से पानी उठाएं या अगले घाट से पानी उठाएं, पानी तो एक ही है, पानी में कोई अंतर नहीं होगा। घट कुछ भी हो उसके अंदर में पानी एक ही है, और उस पानी को छू देते हैं तो हम उस अनंत सागर को छू देते। ये हमारी आध्यात्मिक साधना है, लेकिन इस आध्यात्मिक साधना के साथ साथ हमको अपने आप में, अपने अगल बगल में और पूरे समाज सभ्यता में परिवर्तन लाना है। यही सत्यम शताब्दी योग याग का संकल्प है। तो 1 जनवरी को हम लोग फिर से इस संकल्प को दोहराएंगे। चैत नवरात्रि के समय ये संकल्प लिया गया था, गुरु पूर्णिमा में उसे दोहराए, सीता कल्याणम योग पूर्णिमा के समय उस पर संवर्धन किए, और अब 1 तारीख को इस पर फिर से उसको सुदृढ़ करके उसमें कार्यरत हो जाना है, और इस चीज के लिए हम लोगों को अब तैयार होना है। कल, परसों और 31 तारीख को इस वर्ष में हम लोगों ने क्या क्या किया उस पर चिंतन, हमारी क्या कमियां थी, हमारी क्या क्षमताएं हैं, हम कहां गलती किए, हम किसको दुखाए, किसको मदद किए, पूरा एक अवलोकन करना है। और 1 तारीख को धीरे धीरे तैयार करके कि 1 तारीख को हमको क्या संकल्प लेना है उस पर विचार करना है, और तब जाकर के 1 तारीख को संकल्प लेकर के आगे बढ़। यही हमारा नव वर्ष का मनाने का प्रक्रिया है, तरीका है। पार्टी तो बहुत कर लिए, ये थोड़ी अंदर की भी पार्टी कर ले, जिस पार्टी से हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सके।
यही संकल्प के साथ आज समाप्त करते हैं। हरिओम सत, नमो नारायण। So we meet again tomorrow with this sankalpa, that tomorrow, day after tomorrow, and on 31st, we do self-inspection and introspection and prepare what is it that I want to achieve in 2023. Because remember, 2023 is the year of the breakthrough. It is dedicated to Gurudev Swami Satyananda, who not only had his own personal breakthrough at Vikhya, but also he converted that into a method where everybody can attain a breakthrough in their lives. And it is this spirit that we have to try and connect with. With this thought and sankalpa in our mind, let us disperse today and meet tomorrow at the same time. Hari Om, Sat, Namo Narayana.